हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहेली चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर से पापड़ की रेसिपी। तो यहाँ पर आपको मैदे से पापड़ बना के दिखाऊंगी, वो भी बिना धूप का, और इस पापड़ में इस्तेमाल करूँगी पापड़ खार का। तो अभी तक मैंने जितना पापड़ का वीडियो डाला है फ्रेंड्स, सारे में मीठा सोडा का इस्तेमाल की हूँ, क्योंकि मेरे पास पापड़ खार था नहीं। तो इस पापड़ खार को मैं बहुत दूर से मंगवाई हूँ, तो सोची कि जब पापड़ खार मंगवा ही ली हूँ तो आपके साथ भी इस पापड़ की रेसिपी को शेयर करती हूँ कि पापड़ खार वाले पापड़ कैसे बनाए जाते हैं इसे डाल के। तो यहाँ पर ले ली हूँ एक कटोरी मैदा, आप देख पा रहे होंगे, और इसी मैदा से मैं पापड़ आपको बना के दिखाऊंगी। तो इतना ही मैदा का मेज़रमेंट मैं आपको बताऊंगी, और आप ज़्यादा मैदा का बनाएंगे तो आप ज़्यादा ले लीजिएगा हर सामग्री को। तो यहाँ पर मैदा से आधा पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, एक कप हमारा मैदा है तो आधा कप पानी यहाँ पर ली हूँ। पानी यदि कम हो भी जाएगा तो बाद में पड़ सकता है, और पानी अभी ज़्यादा हो जाएगा तो ये थोड़ा सा पापड़ गीला गीला सा हो जाएगा, पापड़ अच्छा नहीं बनेगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो कोई बर्तन ले लेंगे इस तरह का, जो थोड़ा सा गहरा टाइप का हो, और इसमें डाल दिए हैं पानी को, और पानी के साथ ही डाल दे रही हूँ एक चम्मच पापड़ खार। एक कटोरा हमारा मैदा है तो एक चम्मच यहाँ पर पापड़ खार डाली हूँ, और एक छोटा चम्मच नमक डाली हूँ। नमक आप स्वाद के अनुसार पापड़ में डाल लीजिएगा। और इसमें डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच जीरा, और जीरा आप चाहें तो इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर, येलो कलर का फूड कलर डाली, इससे क्या होगा कि मैदा का पापड़ है तो इसमें थोड़ा सा कलर दे देने से वो थोड़ा पीला पीला सा लगेगा, लगेगा बिल्कुल बेसन के पापड़ के जैसा। तो यहाँ पर फूड कलर का इस्तेमाल की हूँ, और हल्दी मत दीजिएगा। हो सकता है कि पापड़ खार के साथ यदि हल्दी का कलर कहीं लाल ना हो जाए, क्योंकि मैं पहले इस्तेमाल नहीं की हूँ, तो फूड कलर ही मैं यहाँ पर डाली हूँ। और इसे रोटी बनाने वाला जो बेलन होता है उसी के पीछे से इस तरह से एक बार चला ले रही हूँ। जब पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है तो इसमें डाल दी हूँ चिली फ्लेक्स एक चम्मच, और मैदे को डाल के इस तरह से बहुत ज़्यादा अभी चलाऊंगी नहीं, बस इस तरह से जगह जगह पे इसे गड्ढा करके और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दी हूँ, और इसे ढक के एक सेकेंड तक पकने दूंगी। ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस एक सेकेंड हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पापड़ के मिक्सचर को पकते हुए एक सेकेंड हो चुका है, तो मैं इसे खोल के देख ले रही हूँ एक बार। तो यहाँ पर देखिए एक सेकेंड हो चुका, अभी मैं क्या की हूँ गैस को बंद कर दी हूँ। गैस को बंद करने के बाद इसमें ही इस तरह से अच्छे से घुमा घुमा के इसे एक बार मिक्स कर ले रही हूँ पानी के साथ, इस आटे को, मैदे को। अब इसे ढक के छोड़ दूंगी थोड़ा देर के लिए, जिससे कि हमारा मैदा जो है अच्छे से रेस्ट भी कर ले और पानी के साथ अच्छे से सेट भी हो जाए। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें बिल्कुल भी पानी ज़्यादा नहीं हुआ है। तो 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दी थी ढक के। तो अब चलिए आटा को लगा के दिखाती हूँ कि कैसे इसे पापड़ के लिए तैयार करना है। तो इस तरह से ये बर्तन तो अभी गर्म है, तो इसे ले ले रही हूँ दूसरे बर्तन में, जिसमें कि पापड़ का आटा को लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरह का वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को क्लिक जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आप लोगों के पास पहुंच जाएगा और आप लोग हमारे वीडियो को देख सकेंगे। तो यहाँ पर इसमें डालने के बाद इसमें डाल दी हूँ एक चम्मच तेल। तो यहाँ पर रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कीजिएगा, सरसों का तेल मत डालिएगा। इससे क्या होगा कि पापड़ आपका बहुत ज़्यादा चिकना बनेगा, जब आप आटा को लगाएंगे तो ज़्यादा चिपचिपासा नहीं होगा। तो यहाँ पर एक चम्मच रिफाइंड तेल डाल दी हूँ, और इसे अच्छे से हाथों से मसल मसल के आटा को तैयार करना है, क्योंकि हर पापड़ को जो आप बेल के बना रहे हैं उसका आटा अच्छे से मसल के तैयार करेंगे तो आपका पापड़ बहुत ही सॉफ्ट कुरकुरा सा बनेगा। और आटा यदि कम इस तरह से मसला रहेगा तो पापड़ बहुत ज़्यादा टाइट बनेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा आपको खाने में। तो इस तरह से 5 से 7 मिनट में ही हमारा आटा तैयार हो जाएगा, क्योंकि कम है तो 5 से 7 मिनट ही लगेगा, और ज़्यादा रहता तो आटा थोड़ा सा टाइम लेता सेट होने में। तो यहाँ पर देखिए हमारा आटा बन तैयार हो गया है सन के, और उतना ही पानी में हमारा आटा भी तैयार हुआ है। यदि कभी होता है ना कि आपसे यदि पानी कम पड़ जाए, आपको लगे कि बहुत ज़्यादा टाइट है, तो आप यहाँ पर 1 से 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं, गर्म पानी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप 1 से 2 चम्मच पानी डाल के आटे को अच्छे से सेट कर लीजिएगा। और इस तरह से आटे को कूट कूट के, जैसे चाहे वैसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लीजिएगा कूट के, जिससे कि आटा अच्छे से चिकना हो जाए।
तो यहाँ पर देखिए आटा हमारा तैयार हो गया। अब इस तरह से इसे रोल बना ले रही हूँ जिससे कि पापड़ का साइज एक जैसा हो, बड़ा छोटा ना हो। तो यहाँ पर देखिए एकदम चिकना सा रोल बन के तैयार है। अब इसे कट कर ले रही हूँ चाकू से। आप यदि पहला बार पापड़ बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको बेलने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे ना कि पापड़ किस तरह से बेला जाता है। तो आप क्या कीजिएगा कि इसका टुकड़ा जो कट की हूँ और भी छोटा छोटा सा काटिएगा और पापड़ बहुत छोटा छोटा सा बेलिएगा। यदि आप एक बार पापड़ बेलने का तरीका समझ जाएंगे अच्छे से, उसके बाद दोबारा जब बनाएंगे तो बड़ा सा पापड़ बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसमें लगा दी हूँ थोड़ा सा रिफाइंड तेल, जिससे कि एक दूसरे में ये टुकड़ा चिपके ना, और साड़ी को हटा के रख देती हूँ। पापड़ के टुकड़े को ढक के रखना है, नहीं तो वो सूख जाएगा। और एक टुकड़ा से मैं पापड़ बेल के आपको दिखाती हूँ। तो पहले इसे ऐसे गोल मटोल सा अच्छे से कर ले, उसके बाद दबा देना है एकदम हाथ पे लेके, हथेली पे एकदम गोल मोल साइज से मत कीजिएगा, बस सिर्फ इस तरह से दबा देना है। नहीं तो उस तरह से हाथ पे लेके जो गोल मोल कीजिएगा तो वो क्रेक आ जाएगा, पापड़ का किनारा फट जाएगा। और इस तरह से रख के इसमें मैदा लगा दी हूँ। मैदा लगा के पापड़ को अच्छे से रोटी के जैसा बेल लेना है। तो पापड़ बेलने वाला बेलन है हमारे पास, आप देख पा रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा लाइन लाइन सा बना रहता है। तो ये पापड़ बेलने का ही बेलन होता है स्पेशल, इससे बेलने से पापड़ बहुत जल्दी बेल जाता है। आपके पास है तो सही है, नहीं है तो जिससे रोटी हम लोग बनाते हैं उससे भी आप बेल के तैयार कर सकते हैं पापड़। पापड़ बेलने के लिए पापड़ को जब भी आप बेले तो किनारे से बेले, बीच में पापड़ का दबाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बाद में अपने आप बीच में पतला हो जाता है, पहले किनारे से बेल के पापड़ को बड़ा कर ले। यदि आप बीच से बेलेंगे तो कितना भी बेलते रह जाए पापड़ फैलेगा ही नहीं, इसका साइज बड़ा होगा ही नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे बेल के मैं आपको दिखा रही हूँ। आप पहला बार पापड़ बना रहे हैं तो बस इतना ही साइज का आप पापड़ बना के तैयार कर लेंगे, आपको सुविधा होगा। पापड़ को बिल्कुल जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला बेल लीजिएगा, तो आपका पापड़ और भी ज़्यादा एकदम मार्केट के जैसा बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पापड़ को बेलते हुए इतना बड़ा कर ली हूँ और पापड़ हमारा काफ़ी पतला बेला है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। देखिए एकदम पतला है। अब इसे क्या करूँगी, डाल दूँगी पॉलीथीन शीट पर सूखने के लिए। तो मैं रात में पापड़ बना रही हूँ तो इसे पंखे के हवा में ही सुखा दूँगी। इस पापड़ में धूप की भी ज़रूरत नहीं है, पूरे रात इस तरह से बिछा के छोड़ दूँगी, अपने आप पापड़ सूख के सुबह तक तैयार हो जाएगा। और अभी रूम खाली है तो पंखा भी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो जहाँ रूम खाली हो वहाँ पंखा चला के पूरे रात छोड़ सकते हैं। और नहीं तो दिन में बनाएं तो थोड़ा सा इसे धूप दिखा दीजिएगा, क्योंकि पापड़ सूखने में 20 से 25 मिनट का ही धूप चाहिए। पापड़ अलट पलट करके दोनों तरफ से सुखा लीजिए, पापड़ सूख के तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सारे पापड़ सूख के तैयार हो गए पंखे के हवा में, इसमें बिल्कुल भी धूप नहीं दिखाई हूँ और पापड़ बहुत अच्छा से सूखा है, आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छा सूख के एकदम टाइट हो गया है। अब इसे रख लूँगी, जब तक चाहूँगी इसे इस्तेमाल में ला सकती हूँ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो आप भी इसी तरीके से मैदे का पापड़ बना ले। इसमें क्या होगा ना, आपको दाल पीसने की झंझट ना, मैदा बेसन की झंझट ना कुछ, बस घर में मैदा पड़ा है आप पापड़ बना ले, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पापड़। तो चलिए अब एक पापड़ को तल के भी दिखा देती हूँ, जिससे कि और भी सुविधा हो जाए आपके लिए जानने में कि ये पापड़ फूलेगा या नहीं फूलेगा, कैसा बना है नहीं बना है। तो चलिए पापड़ तलने के लिए तेल को डाल देती हूँ चूल्हे पर गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर हमारा तेल भी गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैं एक पापड़ इसमें डाल के और तल के दिखाती हूँ। तो देख पा रहे होंगे कि पापड़ हमारा कितना अच्छा से तेल में जाते ही फूल गया है, और बहुत अच्छा से इसका कलर भी बहुत अच्छा है, क्रिस्पी भी है, करारा भी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पापड़ वाली रेसिपी पसंद आई होगी। तो रेसिपी पसंद आई होगी तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। Thank you.